वेल दोस्तों, फाइनली सबकी शिकवा और शिकायतों को दूर करते हुए आलोचकों के मुंह पर बड़ा सा ताला लगाते हुए डैशिंग वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म बेबी जॉन का कटआउट टीजर रिवील कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है। और इस टीजर को देखने के बाद, जो कि 1 मिनट 57 सेकंड लंबा है, मतलब कि मजा आ जाता है। और सबसे बड़ी बात की इसमें सलमान खान का एक जबरदस्त कैमियो भी होने वाले है। भले ही यह रीमेक है, रीमेक बताया जा रहा है, लेकिन इसको जिस तरह से रीडिजाइन किया गया है, री इमेजिनेशन किया गया है और इसे रीडिजाइन किया गया है, उससे लगता है कि यह बिल्कुल फ्रेश कंटेंट होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से यहां पर वरुण धवन को एकदम से डैशिंग अवतार में पहली बार वरुण धवन इसमें कॉप के रोल में नजर आने वाले हैं और मजा आ जाता है। हाई ऑक्टेन एक्शन सीन, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, बीजीएम, एक्शन डायरेक्शन जो है इसका, और जो एक्टिंग लेवल है जिसमें बच्ची दिखाई दे रही है, मतलब कि सब कुछ पता होते हुए पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे बॉलीवुड के हिसाब से इसको जो है नए एंगल में पेश किया जाएगा और कुछ ना कुछ इसमें नयापन जरूर दिखाया जाएगा ताकि लोगों को यह फिल्म जो है फ्रेश दिखे। बिल्कुल उसकी यह कॉपी टू कॉपी रीमेक नहीं होने वाली है, यह बात मैं समझ चुका हूं, क्योंकि इसमें जिस तरह से इस चीज को दिखाया गया है वहां से कंसेप्ट उठाया गया है, लेकिन इसको फ्रेम टू फ्रेम कॉपी नहीं कर रहे हैं। यहां पर इसे रीडिजाइन, रीबिल्ड, रीकंसेप्ट के साथ इसे जो है लॉन्च किया जा रहा है। तो इसमें हमें इंतजार रहेगा कि इसमें क्या हमें अपने आप देखने को मिलने वाला है। लेकिन फिलहाल इसके बीजीएम ने इसमें जिस तरह से हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स है, जो सिनेमेटोग्राफी लेवल है और जिस तरह से इसमें वरुण धवन को पेश किया गया है, जो इंटेंस लुक है इसका, और वो हमें जो है बदलापुर की याद भी दिलाता है जहां पर उन्होंने इस तरह का कुछ रोल किया था। तो इस बार वरुण धवन जो है एकदम आग के शोले भड़काते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक उम्मीद से जग गई है कि भले ही यह रीमेक बताई जा रही है, लेकिन फिर भी देखने की इच्छा होगी क्योंकि हाई एक्सपेक्टेशन हो गई अब इस टीजर को देखने के बाद। 25 दिसंबर को फिल्म रिलीज होगी, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ट्रेलर आएगा, फिर इसके गाने आएंगे, तब तक इसके एक्साइटमेंट को बढ़ाकर रखा जाएगा। और मुझे लगता है कि एटली एक ऐसे डायरेक्टर है और अब प्रोड्यूसर भी है, वो कुछ ऐसा नहीं करेंगे गड़बड़ घोटाला कि जिससे कि जो ऑडियंस है उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाए। तो मुझे पूरा यकीन है कि एटली की टीम, कलीस और साथ में जो वरुण धवन है, ये सब मिलकर के कुछ नया हंगामा टाइप का क्रिएट करने वाले हैं। तो बेबी जॉन से उम्मीदें बहुत बढ़ गई है और मुझे लगता है कि थ्री फिल्म देखने के बाद भी, जो कि यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है, फिर भी लोग इस फिल्म को देखेंगे अगर इसका कंटेंट बिल्कुल फ्रेश हुआ, दिखने में कुछ अलग हुआ, भले ही कहानी वहां से उठाई गई हो तो भी, तो लोग ऐसी फिल्मों को देखना पसंद करेंगे। फिलहाल अगर आपको बेबी जॉन टीजर का रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए कंटेंट, टॉपिक, रिव्यू या फिर अपडेट के साथ में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।